हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। जेके एस एस बी एग्जामिनेशन के लिए हम स्टेटिक जीके फॉर जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अपलोड कर रहे थे, जिसके कुछ पार्ट जो है हो चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट से जो है वो ज़रूर देखिए। ये आपके अपकमिंग जो है सुपरवाइजर एग्जामिनेशन, पटवारी एग्जामिनेशन, जेके पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जामिनेशन, फॉरेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए जो है यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू। ऐसे तो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हमने कम्प्लीट पढ़नी है, लेकिन आज जो है हम अपनी वीडियो में जो है सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं इनसे क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्लेस है वो है अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस जो है, दिस प्लेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर इन जम्मू। अमर महल पैलेस कहाँ पर है? जम्मू में है, तवी रिवर के साइड में। इट वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी बाय राजा अमर सिंह। क्वेश्चन है कि अमर महल पैलेस किसने बनवाया है, तो आपको याद रहना चाहिए राजा अमर सिंह जो है इनका नाम है, तो इन्हीं के नाम पे जो है अमर महल भी नाम पड़ा हुआ है। 1975 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था एक म्यूजियम में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अमर महल पैलेस को म्यूजियम में कब कन्वर्ट किया गया था, तो 1975 में किया गया था। यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि गोल्डन थ्राउन है यहाँ पर एक, जिसका वेट तकरीबन 120 केजी है। उसके अलावा जो है कुछ पेंटिंग्स है, जिसमें पहाड़ी मिनी जो है पेंटिंग्स है, कांगड़ा जो है वो पेंटिंग्स आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर बुक्स मिलेगी आपको, 25,000 जो है वो बुक्स भी मिलेगी। इट वॉज द लास्ट रेजिडेंस ऑफ द डोगरा किंग। इट इज नाउ अ हेरिटेज होटल ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो है वो बहु फोर्ट है। बहु फोर्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसने बनवाया है, और यहाँ पर जो टेम्पल है वो कौन सा टेम्पल है। जनरली यही एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहु फोर्ट जो है, दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन द जम्मू सिटी ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई राजा बहुलोचन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। इन द 19th सेंचुरी इट वॉज रीबिल्ट बाय द डोगरा रूलर्स। 19th सेंचुरी में से दोबारा बनवाया गया था। The fort has a temple of Mahakali, which is locally known as बावे वाली माता। तो ये जो टेम्पल यहाँ पर मिलता है वो कौन सा है? महाकाली टेम्पल है, जिसको लोकली जम्मू में क्या कहते हैं? बावे वाली माता। This temple organizes बहु मेला twice during the नवरात्र। नवरात्र के मंथ में जो है, नवरात्र के दौरान जो है यहाँ पर जो ये टेम्पल है ये ऑर्गेनाइज करता है एक मेला, जिसे जो है बहु मेला कहते हैं, और दो बार जो है ये ऑर्गेनाइज करता है। इट इज हेरिटेज साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फोर्ट आल्सो हैड गार्डन नॉन एज बागे बहु। इस फोर्ट के पास में आपको एक गार्डन भी देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? बागे बहु। और वहीं पर आपको जो है एक फिश शेप जो है एक्वेरियम भी मिलता है, जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है कंट्री का। थर्ड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, मुबारक मंडी जो है पूरा ये कम्प्लेक्स है। दिस कम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन द जम्मू सिटी। मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स वॉज फाउंडेड बाई राजा ध्रुवदेव 1707 से 1733 के बीच में रहे राजा ध्रुवदेव। तो ये कम्प्लेक्स जो है उन्होंने बनवाया था, और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट रूलर्स आते गए जम्मू में, जो जिनमें डोगरा रूलर्स थे, उन्होंने अपने टाइम टू टाइम जो है इस कम्प्लेक्स को जो है वो बनवाया, इसको जो है रिबिल्ट भी करते गए। दिस रिमेन्ड द मेन सीट ऑफ महाराजास ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925 तक जो है जो भी डोगरा डायनेस्टी के महाराजा थे तो वो यहीं पर रहा करते थे। और 1925 में जब हरि सिंह जो है वो महाराजा बनते हैं, तो वो यहाँ से जो है होके हरि निवास पैलेस चले जाते हैं, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में है जम्मू के। ये पैलेस जो है वो बहुत राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, और आज भी इसकी रिनोवेशन हो रही है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस पैलेस कम्प्लेक्स आर, यहाँ पर आपको देखने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो, एक तो वो पिंक हाल है, एक पिंक हाल इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो शीश महल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पिंक हाल जो है उसमें डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है वो शो किया गया है, और कुछ पेंटिंग्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि कांगड़ा जम्मू और बसोली की पेंटिंग्स है। गोल्ड पेंटेड बो यहाँ पर मिलेगा, और मुगल शाहजहां का जो है ये बो यहाँ पर जो है वो मिलेगा, इनका जो है वो गोल्ड प्लेटेड बो जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन इस प्लेस की।
अब हम पढ़ने वाले अखनूर फोर्ट के बारे में, तो वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जान लेते हैं। अखनूर टाउन जो है वो 28 किलोमीटर है जम्मू सिटी से, और यहाँ पर जो है अखनूर फोर्ट जो है अखनूर टाउन में, ये फोर्ट जो है किस रिवर के राइट बैंक में है, याद रखेंगे चिनाब बैंक के जो है वो राइट बैंक में होगा। किसने बनवाया है, मियाँ तेज सिंह थे, डोगरा सिख कमांडर, उन्होंने जो है इसका काम शुरू करवाया था, और उनके सक्सेसर आते हैं राजा आलम सिंह जिन्होंने इसे कंप्लीट करवाया है। और ये साइट जो है अखनूर फोर्ट जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जो अखनूर टाउन है ये भी फेमस है क्योंकि ये यहाँ पर जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का जो है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर अब हम बात करने वाले हैं बदरा टाउन की, जिसे वैली टाउन भी कहा, एक वैली टाउन है डोडा डिस्ट्रिक्ट में जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है और लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पर कुछ मेला लगते हैं जैसे कि मेलापट है, सोबरधार मेला है, और जो है समर फेस्टिवल और विंटर फेस्टिवल भी जो है वो लगते हैं। फेमस है कूट डांस के लिए, पहाड़ी फोक सॉन्ग्स के लिए और म्यूजिक्स के लिए जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको बहुत सी हेरिटेज साइट्स जो है वो देखने को मिलेगी, जैसे कि भद्रा फोर्ट है, भद्रा फोर्ट जहाँ पर जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी जो है वो रखा गया था जब उन्हें जो है वो जेल में डाला था। इससे पहले ये भद्रा फोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जेल था, और आज की डेट में जो है वो एक म्यूजियम भी जो है वो है। 100 ईयर्स ओल्ड जो है वो जामा मस्जिद भी यहाँ पर मिलेगी, और जो है एंशियंट वसीनाग जो है वो टेम्पल भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब बद्रा फोर्ट को जो है गवर्नमेंट ने इस बार जो है कहा है कि हम इसे जो है वो मैरिज डेस्टिनेशन जो है बनाएंगे, ताकि जो है बाहर बाहर से लोग जो है आके वो यहाँ पर जो है वो शादियाँ अपनी कर पाए, एक जो है हेरिटेज डेस्टिनेशन बनाएंगे जो कि खास मैरिज के लिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा माता वैष्णो देवी, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स ऑफ जम्मू। कहाँ पर लोकेटेड है, इसमें क्वेश्चन आता है कि ये त्रिकुटा हिल्स पे होगी, और ये किस रेंज में पड़ते हैं, शिवालिक हिल रेंज में, तो ये क्वेश्चन जो है बनता है। जो होली केव है वो 12 किलोमीटर है बेस कैंप कटरा से, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, 48 किलोमीटर जो है ये जम्मू से है। तो यहाँ पर जो है वो माता जो गॉडेस जो है इनकी वैष्णो देवी जो है वो यहाँ पर मिलेगी, जो कि 98 फीट जो है वो लॉन्ग केव है। इसके अलावा जो है श्राइन्स यहाँ पर मिलेंगे 3 नेचुरल पिंडीज के, जिसमें माता महासरस्वती है, माता महालक्ष्मी है, और माता जो है वो महाकाली है। अब इस टेम्पल के जो है रिकॉर्ड तो नहीं है कि ये कब एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट है ये हमारे जियोलॉजिकल सर्वे करने वाले, उनका कहना है कि जो है ये बहुत पुराना जो है वो टेम्पल है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं पता। नेक्स्ट हमारे पास जो है पंचवक्तर टेम्पल है, पंच से जो है वो पांच याद रखेंगे ये, तो ये 5 फेस का टेम्पल है, तो इसे पंचवक्तर को जो है 5 फेसेस भी टेम्पल कह सकते हैं। ये टेम्पल जो है वो महादेव टेम्पल है, और ओल्डेस्ट जो है शिवलियाज इन जम्मू सिटी में जो है मिलेगा आपको। ये बिलीव किया जाता है कि शंकर आचार्य जो है वो उन्होंने विजिट किया था इस टेम्पल में। क्वेश्चन जो है ऐसे बन सकता है कि वो कौन सा टेम्पल है जहाँ पर 19 सेंचुरी में जो है शंकर आचार्य ने विजिट किया था, तो वो टेम्पल का नाम याद रखेंगे पंचवाक्तर टेम्पल। द टेम्पल वॉज बिल्ट लेटर कंस्ट्रक्टेड बाई सॉरी द टेम्पल वॉज मच लेटर कंस्ट्रक्टेड बाई राजा गूज सिंह ऑफ जम्मू। 1687 से 1703 तक जो है राजा रहे, इन्होंने जो है टेम्पल बनवाया था, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। लिंगन इन दिस टेम्पल इज सेल्फ मैनिफेस्टेड। अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एक तो मैंने आपको ये वाला बता दिया शंकराचार्य का, सिर्फ ये एक बात आपको याद रखनी है इस पूरे इस फैक्ट में, और दूसरा ये याद रखना है कि इस टेम्पल का दूसरा नाम क्या है, रुपये वाली मंदिर। तो किस टेम्पल को जो है वो रुपये वाली मंदिर कहते हैं, पंचवाक्तर टेम्पल को। और दूसरा ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है 19 सेंचुरी में ये बिलीव किया जाता है कि शंकराचार्य ने विजिट किया है। अब अगला हमारे पास जो है पोरमंडल टेम्पल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और सांबा में जो है ये देवी का रिवर एक फ्लो करता है, अंडरग्राउंड जो है वो रिवर है। यहाँ पर जो है
जो है इसी के जो है बैंक में जो है पुरमंडल टेम्पल भी बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी टेम्पल को जो है छोटा काशी भी कहते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवरात्रि एंड क्षत्रि चौदाशी ए लार्ज नंबर डिवेटीज जो है वो विजिट करते हैं इस टेम्पल में, और इस टेम्पल की भी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। अब हम रणबीरेश्वर टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल जो है जम्मू सिटी में ही है, इसे शिवा टेम्पल भी कहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने जो 1883 में बनाया था, यहाँ पर जो है 12 शिवा जो है वो लिंगम्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगे, जिनकी मेजरमेंट कुछ 15 सेंटीमीटर से 38 सेंटीमीटर्स है। फिर पीर खो टेम्पल है, पीर खो टेम्पल जो है ये भी तवी रिवर के जो है वो बैंक में है। यहाँ पर यह बिलीव किया जाता था कि एक जोगी थे जिनका नाम गुरु गरीब नाथ था, ये जम्मू आए थे और यहीं पर जो है इन्होंने जो है एक केव जो थी जिसको पीर खो बोलते हैं, इस केव में जो है पीर खो में जो है रहने लगे। फिर उस टाइम के जो राजा थे राजा अजेब देव, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर जो है वो बनवाया जोगी पीर गुरु गरीब नाथ के लिए 15 सेंचुरी में, और इस केव में जो है एक शिवलिंगम जो है रखा गया, और यहाँ पर जो है बहुत से डिवोटीज जो है वो पूर्णमासी में अमावस्या में और अकादशी और शिवरात्रि में जो है विजिट करते हैं। अब है रघुनाथ टेम्पल, ये जम्मू सिटी में ही मिलेगा आपको रघुनाथ बाजार में। रघुनाथ टेम्पल ये बनवाया है महाराजा रणजीत सिंह ने 1757 में। आइडियल्स ऑफ लॉर्ड रामा, माता सीता एंड श्री लक्ष्मी जी आर प्लेस्ड इन द मेन टेम्पल। तो आइडल्स किस किस के मिलेंगे, लॉर्ड रामा, माता सीता एंड श्री लक्ष्मण जी के जो है यहाँ पर आइडल्स मिलेंगे। यूनिक फैक्ट जो है इस टेम्पल का ये है कि इनर वॉल्स जो है वो कवर्ड है विद गोल्ड शीट्स से ऑन थ्री साइड्स। दिस टेम्पल हैज ऑल्सो संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी यहाँ पर आपको मिलेगी। अब एक और हिस्टोरिकल प्लेस है थाना मंडी, हिस्टोरिकल प्लेस है ये मुगल टाइम्स से, कहाँ पर पड़ेगी है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। मुगल जो है इस प्लेस का जो है यूज़ करते थे, इस रास्ते का यूज़ करते थे जब उन्होंने उन्हें दिल्ली से जो है वो कश्मीर आना होता था, तो अपनी जो जर्नी थी वो यहीं से जो है वो पास करते थे और यहाँ पर जो है वो रुकते भी थे। दिस इज़ अ हेल्थ रिसोर्ट ड्यू टू इट्स प्रेजेंट क्लाइमेट, फेमस है अपने वुडन प्रोडक्ट्स के लिए भी। और यहाँ पर एक श्राइन आपको मिलेगी शारदा श्री, जो कि 6 किलोमीटर है यहाँ से, दारा शरीफ रजौरी जो है ये यहाँ पर जो है ये शारदा शरीफ है। ये कंस्ट्रक्ट कराने वाले जो थे गुलाब सिंह थे 19th सेंचुरी में, एंड इट इज डेडिकेटेड टू बाबा गुलाम शाह बादशाह। धनीदार फोर्ट है रजौरी में, इट वॉज बिल्ट बाई मियाँ हत्तू, गवर्नर है रजौरी के 1855 में थे। मेन एम था इसको कनेक्टेड कराने का टू कीप द डोगरा फोर्सेस सेफ। डोगरा आर्ट गैलरी, पिंक हॉल जो है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में, वहां पर मिलेगा आपको डोगरा आर्ट गैलरी, जहां पर जो है 800 जो है रेयर पेंटिंग्स मिलेगी, आर्टिकल्स मिलेंगे डोगरा डायनेस्टी के। यहाँ पर पेंटिंग जो है वो कांगड़ा, बसोली और जम्मू की जो है वो पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हमने जो है आज जो है वो फैक्ट्स पढ़े इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस और जम्मू कश्मीर के, तो ये जो है शॉर्ट में ही मैंने फैक्ट्स बताए, उतनी ज़्यादा डिटेल जो है वो बताई नहीं है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को जो है फोकस किया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।